अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन्फिनिक्स बहुत ज़्यादा तबाही मचाने को है तैयार। बहुत से स्मार्टफोन लाइन में पड़े हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो स्मार्टफोन या टर्बो स्मार्टफोन, और इन्फिनिक्स नोट 12 VIP के बाद पेश है इन्फिनिक्स नोट 12 आई। जी हाँ, इन्फिनिक्स नोट 12 आई एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन को आपको मिड रेंज में प्रोवाइड करने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 12 आई स्मार्टफोन के बारे में, एंड दिस इज़ द एक्सक्लूसिव एपिसोड अगेन। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं इजाज और आप देख रहे हैं tech.pk। इन्फिनिक्स नोट 12 आई इन्फिनिक्स नोट 12 सीरीज का सबसे जो छोटा वाला वर्जन होने वाला है। ये स्मार्टफोन काफ़ी कम प्राइस के साथ आएगा, जो कि हम डेफिनेटली स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो या इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। काफ़ी कमाल का डिवाइस है वो स्मार्टफोन भी। इस स्मार्टफोन के रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, सेंटर में LED फ्लैश लाइट दिया गया है, एक बॉक्सी डिज़ाइन है, ब्लैक कलर में फिलहाल मौजूद है ये स्मार्टफोन, और इसमें लाइन्स दी गई है, यहाँ पर zigzag लाइन्स दी गई है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम डिज़ाइन फील होता है। बिल्कुल भी एक मिड रेंज स्मार्टफोन को देखते हुए मैं इस बार स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है बहुत ही प्रीमियम समझता हूँ, और इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा इन्फिनिक्स हार्ट 12 से भी बहुत ज़्यादा रिजेंबल रखता है। अगर इसमें एक और कैमरा नीचे साइड पर ऐड कर देते, जो कि किसी भी काम का नहीं था, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है डिज़ाइन के मामले में। बट नो बिलीव मी, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, और एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर इस डिज़ाइन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस स्मार्टफोन में दिया गया एक 6.82 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। बेजल्स आउट चिन काफ़ी कम है, चिन लिटिल बिट ज़्यादा है, बट मिड रेंज प्राइस को देखते हुए इसकी चिन काफ़ी मुझे कम लगी है। इस स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ है, और इन्फिनिक्स जो है फाइनल हार्ट 12 के बाद अगेन हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। अब हाई रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, आलो कि यहाँ पर फुल HD+ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रिफ्रेश रेट बड़ा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, और ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाला है। डेफिनेटली डिस्प्ले काफ़ी स्टाइलिश है। सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है, जो कि डिस्प्ले को बिल्कुल भी एक मिड रेंज स्मार्टफोन में काफ़ी सुपीरियर रखेगा। इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है MediaTek का हीलियो G85 का प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस करता है। काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है, गेमिंग के मामले में काफ़ी डिसेंट है, चाहे हम मिड रेंज स्मार्टफोन की बात करें गेमिंग के लिहाज से, तो उस कैटेगरी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन्फिनिक्स हार्ट 12 में काफ़ी ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब इन्फिनिक्स जान चुका है G85 के पावर प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, सो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल की होगी। ये स्मार्टफोन 4GB 64GB वेरियंट में आएगा, और इसके अलावा 3GB की रैम भी साथ में होगी, यानी टोटल 7GB की रैम होगी वर्चुअल के साथ, और 64GB वाला वेरियंट होगा। LPDDR4X रैम होगा, और स्टोरेज टाइप फिलहाल कोई भी कंफर्म नहीं कि कौन सा स्टोरेज टाइप होगा, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा, और इसके अलावा XOS 10.6 देखने को मिलेगा। काफ़ी फीचर रिच है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पर जो XOS 10.0 इसमें कौन से नए फीचर आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, और आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। बाकी ये स्मार्टफोन जो है प्रोसेसर के मामले में आज के G85 या G88 नहीं है, बट बिलीव मी काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। अगर गेमिंग के लिए आप बाई करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बाकी रही प्राइस स्मार्टफोन की, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 से नीचे ही देखने को मिलेगा, और मुझे इन्फिनिक्स के एग्रेशन का पता है, क्योंकि जो चीज़ें दी गई है ना वो डेफिनेटली 25,000 से नीचे में होनी चाहिए। अगर ऊपर होती है तो बिल्कुल भी मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। लॉन्च डेट की बात हूँ तो फिलहाल ये स्मार्टफोन नाइजीरिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन जून में ही आएगा, क्योंकि बहुत से स्मार्टफोन लाइनअप में पड़े हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक बारिश से आने वाली स्मार्टफोन्स की, तो एक एक स्मार्टफोन करके आराम आराम से लॉन्च करेंगे, ताकि हर एक स्मार्टफोन को अपना एक स्पेसिफिक टाइम मिले सेल होने के लिए। तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन भी बहुत जल्द आने वाला है। आप कितना वेट कर रहे हैं स्मार्टफोन का, डेफिनेटली आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस स्मार्टफोन में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा 50 MP का है, और एज यूजुअल 2 फालतू के सेंसर है, जो कि किसी भी काम के नहीं होते, और एक कैमरा सेंसर तो किसी भी बंदे को समझ ही नहीं आता कि वो इन्फिनिक्स और टेक्नो क्यों देते हैं। बहरहाल फ्रंट पर सेंटर पंच होल कैमरा में यहाँ पर 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स के कैमरा डिसेंट होते हैं, और एज विनो के मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स कैमरास पर इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा,
जितना वो परफॉर्मेंस पे और डिज़ाइन पे काम करता है आजकल। बट यहाँ पर अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्मार्टफोन होगा मे बी इसके कैमराज काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। ज़ाहिर इन्फिनिक्स नोट सीरीज़ का स्मार्टफोन है तो ऑफकोर्स कैमराज भी लिटिल बिट इम्प्रूव होने चाहिए। इस स्मार्ट में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है और 18 वाट की फास्ट चार्ज, टाइप सी कनेक्टिविटी, 3.5 ऑडियो जैक और एक स्पीकर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सिंगल ही स्पीकर देखने को मिलेगा, जाहिर है एक लोअर मिड रेंज स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर तो हमें मिलने वाले नहीं है। और चार्जिंग इस बार काम की 18 वाट है, अगर 33 वाट हो जाती तो काफ़ी मज़ा आ जाता, सोने पर सुहागा हो जाता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन हर लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। अगर प्राइस को हम देखें और जो प्राइस मैंने बताई है उससे नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का होने वाला है। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, एक्सक्लूसिव एपिसोड है, डेफिनेटली आप इसको लाइक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।